तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को डेट बताया था ना, याद है कि नहीं याद है? 16 फरवरी 19 फरवरी दो डेट बताया था आप लोगों को कि एसएम के लिस्ट से लोयड इंजीनियरिंग या लोयड स्टील कह लें बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बाहर आ चुका है, एकदम 100% श्योर। अभी आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप लोग एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो ये अभी आपको जो है शो नहीं करेगा। हो सकता है कल शो करे या फिर 19 तारीख को शो करे। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि जो मैं पीडीएफ अभी आपको दिखाऊंगा उसमें आ चुका है। आज इसमें 33,64,544 इक्विटी से ट्रेड हुआ है, जिसमें से 20,27,232 इक्विटी से डिलीवरी में उठाया गया है। टोटल जो परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है भाई, 60% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना? न्यूज क्या है, क्या कैसे है, सब बाद में देखेंगे। पहले लिस्ट, बहुत सारे स्टॉक जो है ऐड हुए हैं, बहुत सारे लिस्ट जो है शेयर बाहर हुए हैं। उसी दिन इसका सर्किट भी चेंज हुआ था, और उसी दिन ये जो है स्टेज टू से स्टेज वन में आया था। किस दिन आया था? 2 तारीख को, 2 फरवरी को इसका जो है, मतलब ये स्टॉक जो है वो स्टेज टू से स्टेज वन में आया था। उसी दिन मैं कैलकुलेट करके आपको बता दिया था कि इसका जो जाएगा वो 16 तारीख को जाएगा या फिर 19 तारीख को जाएगा। एसएम लिस्ट से बाहर, मतलब अगला रिव्यू जो है 16 या 19 को हो सकता है। अब इसको आप 16 समझिए या 19 समझिए, दोनों एक ही है। क्योंकि आज ये तो अपडेट तो आज आया है, लेकिन ये बाहर निकलेगा 19 तारीख से ही, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये 19 फरवरी, देखिए 19 फरवरी 2024 से जिन स्टॉक्स को बाहर किया गया है लॉन्ग टर्म के एसएम के लिस्ट से, उनकी लिस्ट है। और ऐसे 4 शेयर हम लोगों को मिल रहे हैं जो एसएम के लिस्ट से बाहर आज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के, जिसमें देखेंगे तो आशीष सॉन्ग सॉगोन कुछ करके कलर लिमिटेड है, छोड़ देते हैं, छोटा शेयर है। दूसरा शेयर देखेंगे आप लोग तो दूसरा शेयर यहाँ पे देखिए, लोएड इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिंबल कोड भी आपको दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लोएड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड फुल इसका नाम भी है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका ISIN नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, इंटरनेशनल वाला, ठीक है? तो ये हो जाएगा। नीला स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी दिख जाएगा, और एक सोम डिस्टिलर्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड भी दिख जाएगा, वो दारू वाली कंपनी। तो ये 3 स्टॉक्स मेनली जो है बाहर निकल चुके हैं, जो बड़े वाले हैं या फिर कह लें फेमस थोड़े से हैं। इसमें लोयड स्टील भी बाहर आ चुका है, 19 फरवरी से आप लोगों को शो भी करेगा। अगर एनएससी पे नहीं शो करता है तो आप लोग चेक करके दिखाइए कि शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका, ठीक है ना? क्या भी हुआ है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और बताइएगा कि मैं आपको बताया था कि नहीं। और ये वीडियो है देखिए, एसएम लिस्ट से बाहर, एसएम लिस्ट से बाहर मैं कई बार वीडियो बनाया हूँ, हालांकि वो प्रिडिक्शन ही था। मेन वीडियो था उस दिन से कि जिस दिन 2 फरवरी को जो है, ये 2 फरवरी जिस दिन बाहर निकला था, स्टेज टू में आया था, तब की ये वीडियो है, ठीक है ना? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाहर एकदम आ चुका है, कन्फर्म मान लीजिएगा। अब इसके चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो देखिए न्यूज़ की बात करेंगे। देखिए न्यूज़ ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, हाँ उड़ती उड़ती कोई खबर हो तो उसका मुझे गारंटी नहीं है। 15 फरवरी की 2 खबरें थी, और वो भी जो है शेयर जो है डुप्लीकेट जो शेयर है, लो शेयर जो हो गया है, प्रमाण पत्र खो गया है, उसको जो है दोबारा दिया गया है। बस वही न्यूज है और बाकी कोई न्यूज यहाँ पे है नहीं। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना है, इसमें खरीदारी करने का भी है, ये मैं पहले से बता कर रखा हूँ। यहाँ पे नहीं, इधर जब था ये 15-20 रुपये के लेवल पे, तभी मैं बता के रखा था आप लोगों को कि इसमें तेजी होगी, और तेजी आई भी, प्रॉफिट भी बुक हुआ, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से अब यहाँ पे नई एंट्री बन सकती है। राइट इशू आया था, राइट इशू मैं आप लोगों को हर एक कदम कदम पे राइट इशू का अपडेट दिया था, यस नो लिखिएगा आप लोग। इसका एक रेंज बनेगा ऊपर की साइड में, वो रेंज बनेगा 70 रुपये से लेके 80 रुपये कह लें, सीधा 78 रुपये आ रहा है, लेकिन 80 रुपये, 70 रुपये से लेके 78 रुपये का ये ऊपर एक रेंज बनेगा। इस रेंज पे जाके ये रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद ये टारगेट हम लोगों को देगा 100 रुपये का। 90 रुपये का भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक 75 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, ये 3 रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में बनेगा, और ये 3 टाइम फ्रेम का 3 टारगेट रहेगा, मतलब 75 रुपये, 90 रुपये और 100 रुपये, ठीक है ना? जब तक ये 45 रुपये के ऊपर है, और हाँ उन्हीं 2-3 वीडियो में मैं बताया अभी तक कि 45 रुपये के जब तक ऊपर ऊपर है, इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए, जब भी डिप करता है खरीदारी करिए, ठीक है ना? अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिप आता है नीचे के साइड में 45 तक, तो अभी भी खरीदारी करने का ही मौका है, बेचना तो है ही नहीं जब तक मैं ना बोलूँ, ठीक है ना? या फिर आप भी डिसाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन
अगर मुझे फॉलो करते हैं तो, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे खरीद लो अपने कहने पे बेच दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करना है हम लोगों को 35 रुपये के नीचे का, 35 रुपये के नीचे जाके डेली कैंडल क्लोज कर दी है तभी इसमें से स्टॉप लॉस लेना। स्टॉप लॉस हमारे सुरक्षा के लिए बस है, ऐसा नहीं कि शाम में कोई भी स्टॉप लॉस फॉलो करिए बहुत, मैं तो बड़ा बड़ा फॉलो करता हूँ, इस पर खरीदूंगा इसको तो 20 तक होल्ड करूंगा, तो इसमें क्या बहादुरी है, ठीक है ना, बहादुरी नहीं है। वहाँ तक बस रखिए जहाँ तक सेफ्टी हो कि हाँ मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा, ऐसी संभावना है कि थोड़ा बहुत गिर सकता है और उस गिरावट से मुझे बचा ले, बस काम खत्म, बस वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और बाकी क्रैश कर जाए, पैसा सारा डूब जाए, वो स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और 35 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस, 45 रुपये के ऊपर ऊपर खरीदारी, 75 रुपये का पहला टारगेट, 90 रुपये का दूसरा टारगेट, 100 रुपये का तीसरा टारगेट। अगर आप खरीदारी करेंगे तो 100 रुपये के टारगेट के ले जाइए और 100 से भी ऊपर का टारगेट देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, आराम से खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों को जो है और स्टॉक्स खुद ब खुद ढूंढने हैं और कौन से कैसे स्टॉक होते हैं, कैसा कैसा ऐसा ऐसा ढूंढना है आप लोगों को, तो एक मैं कोर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ये एक कोर्स बना रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2 वीक, 1 वीक का। अगर आप लोग इस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसका प्राइस क्या रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप मेरा ये कोर्स बाय करेंगे कि नहीं करेंगे बताइएगा। और करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का जो है चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ करके लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।